यूपी से बीजेपी की लोकसभा सांसद सावित्रीबाई फूले ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। सांसद सावित्रीबाई फूले ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है। आरक्षण को लेकर सांसद सावित्रीबाई फूले के आगे के प्लान के बारे में और जानकारी दे रहे हैं गोन्यू संवाददाता रमन ममगई। SC ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनकी बहराइच की ही जो MP हैं सावित्रीबाई फूले, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल लिया और कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो उदासीन रवैया अपना के रखी हुई है। और उन्होंने लखनऊ में भी कहा कि वो 1 अप्रैल से एक बड़ी रैली करने वाली हैं, वो सरकार की जो आरक्षण विरोधी और दलित विरोधी जो नीतियाँ हैं उसके खिलाफ आंदोलन करेंगी। वो पार्टी के खिलाफ नहीं है लेकिन वो उन लोगों के साथ खड़ी हैं जिन्होंने उन्हें चुनकर संसद तक पहुँचाया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी LJP और जो उसके सांसद हैं जो SC ST कैटेगरी से आते हैं वो भी बुधवार को मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इस मामले में दखल देने की बात कही और लगातार दबाव बढ़ता चला गया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वो इस मामले में चुपचाप नहीं बैठ सकती। और फिर फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें रिव्यू पिटीशन केंद्र सरकार फाइल करने वाली है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं क्योंकि उसका एक वोट बैंक है जो कि अगड़ी जातियों से भी आता है। अब वो इस पूरी कवायद को किस तरह से देखेगा आने वाले वक्त में, ये भी एक देखने वाली बात होगी। रफीक के साथ रमन ममगाई, गो न्यूज़, दिल्ली।